हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल में। मैं पुष्पा आपके सामने और एक रेसिपी के साथ आ गए हूँ। आज का जो रेसिपी है चिक्की है। आपको ये चिक्की दिखने में तो पल्ली का चिक्की जैसा दिख रहा है, मगर नहीं होता है, पल्ली का नहीं होता है, पुलचना दाल की चिक्की है। चिक्की इतना अच्छा टेस्ट हुआ कि बहुत बहुत अच्छा टेस्ट हुआ है। बच्चों का बड़ों का मनपसंद चिक्की। चिक्की किसको पसंद नहीं आता, हर एक को पसंद आता है, वो भी मीठा है। मीठा बहुत सारे लोगों को पसंद आता है। इसके लिए सिर्फ दो ही दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें, है गुड़ और पुलचना दाल। मैं यहाँ पे बराबर लिया है, एक कप गुड़ लिया है और एक कप चना दाल लिया है। देखिए, चना दाल एक कप, एक कप गुड़ बस। अभी हम पैन लगाते हैं, पैन लगा के इसको भून लेते हैं। पहले जो दाल हम लिए हैं, एक कप दाल, और दाल को अच्छा सा भून लेते हैं लो फ्लेम में। और एक बात, अगर आप लोगों को पसंद आया तो एक चम्मच घी डाल के फ्राई कर ले सकते हैं, और अच्छा टेस्ट बनेगा और अच्छा खुशबू भी आएगा। मगर मैं ऐसी फ्राई कर दे रही हूँ, ड्राई फ्राई कर रही हूँ, ड्राई फ्राई करके करूँगी। अभी मैं पुलचना दाल में है सो बेनिफिट बताती हूँ। पुलचना छिलके के साथ खाए तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, विदाउट छिलका और छिलके के साथ खाए तो क्या बेनिफिट्स हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप लोग छिलके के साथ खाए तो 160 कैलोरीज रहता है, अगर आप विदाउट छिलका खाए तो 250 से 300 तक कैलोरी रह सकता है। अभी कार्बोहाइड्रेट्स का देखें तो विद छिलके के साथ 27 ग्राम का रहता है, विदाउट छिलके में 58 ग्राम्स तक रहता है। अगर आपको चना खाना है तो छिलके के साथ ही खाइए, पुल चना छिलका मत निकालिए, छिलके के साथ खाए तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और पुल चना दाल में बहुत सारा प्रोटीन भी है और इसमें फाइबर भी ज़्यादा रहता है। बच्चों को दीजिए, जो बढ़ते बच्चे हैं ना, उन लोगों को दीजिए, अच्छा स्ट्रांग रहेंगे बच्चे। देखिए, दाल तो बन चुका है, मैं दाल निकाल दिया है। दाल निकाल देखिए, पहले से जो गुड़ लिया है, एक कप उतना गुड़, वो गुड़ को इसमें डाल देती हूँ। दाल के इसमें 4 चम्मच इतना पानी डालिए, पानी ज़्यादा नहीं डालना है, हमें गाढ़ा चाशनी चाहिए इसलिए मैं पानी ज़्यादा नहीं लिया है। 1 4 चम्मच उतना डाला है, 4 चम्मच बोलो तो छोटा कप से आधा कप उतना पानी डाला है। गुड़ को पहले अच्छे से पिघला लेते हैं। गुड़ अच्छा थोड़ा सा पिघलने के बाद उसको छन्नी कर लीजिए, छन्नी करके जो भी डस्ट है निकल जाएगा। उसके बाद में फिर से डाल के इसको अच्छा सा गाढ़ा सा चाशनी बनाना है। देखिए, चाशनी तो बन चुका है, देखिए कितना गाढ़ा चाशनी बन गया है। वीडियो ज़्यादा लेंथ हो रहा, बल्कि मैं वीडियो को थोड़ा कट कर दिया है क्योंकि मैं ज़्यादा बेनिफिट्स आप लोगों को बता चुकी हूँ। गुड़ को छन करने का मैं निकाल दिया है। यहाँ पे मैं 1 5 चम्मच उतना इलायची पाउडर डाला है। इलायची पाउडर डालने से टेस्ट भी अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छा रहता है। अभी इसको एक आधी मिनट तक रखते हैं, क्योंकि हम इलायची पाउडर डाले हैं, एक आधी मिनट तक रख के उसके बाद में हम जो फूल चना पहले से फ्राई कर लिए हैं वो मिक्सी में डाला है। एकदम दरदरा है, देखिए, मैंने फाइन पाउडर नहीं बनाया, दरदरा बनाया। देखिए, दाल भी दिख रहा है आपको अच्छा से। अब ये इसमें दाल देती हूँ। दाल के फ्लेम को लो फ्लेम में लगाइए, लगा के डालिए, दाल के फटाफट मिक्स करते रहिए, दाल के फटाफट मिक्स करते रहना है, नहीं तो ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो हमें पीसेस कटने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आराम से फटाफट मिला लेती हूँ। मैं फ्लेम को यहाँ पे कम कर दिया है, लो फ्लेम में लगाया है। इससे पहले मीडियम फ्लेम में था, अभी लो फ्लेम में लगा दिया है मैंने। लो फ्लेम में लगा देके अच्छा सा मिक्स कर दे रही हूँ। देखिए, दाल पूरा अच्छा सा मिक्स हो गया है। दाल अच्छा सा मिक्स हो गया है। अभी गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ। ऑफ कर देके मैं एक प्लेट लीजिए, नहीं तो कौन सा भी एक ट्रे लीजिए, मैं इसको घी अप्लाई कर चुकी हूँ।
अभी इसके ऊपर डाल देती हूँ मैं, ठीक है, इसी टाइम में डाल देना है, ज़्यादा देर रखे तो ये बहुत घट बन जाता है। अगर आप लोग चाहे तो राउंड शेप बना लीजिए, नहीं तो स्क्वायर शेप बनाइए, आप अपना मर्जी, जो अपना पसंद है वो शेप बना दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप बना चुकी हूँ और इसको ठंडा होने के लिए लगा देते हैं। सेट करने के बाद 10 मिनट तक ठंडा कीजिए, उसके बाद आप लोग पीसेस में कट कर सकते हैं। देख लीजिए मैं पूरा सेट कर चुकी हूँ, सेट करके अभी इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देती हूँ एक 10 मिनट के लिए। मैं यहाँ पे 10 मिनट बोल रही हूँ क्योंकि मैं परफेक्ट मेजरमेंट से लेकर किया है, 10 मिनट में हो जाएगा। अगर चाशनी थोड़ा उधर इधर हो गया तो 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं, अगर 20 मिनट भी लग सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। देखिए 10 मिनट हो गया, एकदम अच्छा सा बन गया। और देखिए मैं अभी इसको पीसेस में काट लेती हूँ। अगर आप लोग चाहिए तो डायमंड शेप में भी काट सकते हैं, मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। इस तरह से काट, पहले लाइन लगा लीजिए। अगर आप लोग चाहिए तो 5 मिनट के बाद भी पहले लाइन लगा के छोड़ सकते हैं, छोड़ के बाद में आप लोग सूख, अच्छा सा सूखने के बाद पीसेस को कट कर ले सकते हैं। मगर यहाँ पे मैं 10 मिनट के बाद लिया है, अच्छा से एक लाइन लगा देती हूँ। हमें सिर्फ चाशनी का ध्यान लगाना चाहिए, अगर चाशनी परफेक्ट बन गया है तो हम जो भी चिक्की रहें दो या लड्डू रहें दो, परफेक्ट आता है। देखिए सब कुछ काटती, देखिए ऐसा करते निकल गया है। अभी मैं इसको पीसेस में करके बताती हूँ आप लोगों को, बिना वीडियो में कट करके आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को मालूम हो सके कि मेजरमेंट से लेने से कितना परफेक्ट आता है कौन सा भी चीज़, कौन सा भी फूड का। देखिए आप मेजरमेंट के साथ बनाइए तो परफेक्ट आता है। अभी इसका भी पीसेस कर देती हूँ मैं। देखिए एकदम परफेक्ट आ चुका है, पीसेस पीसेस अलग हो जा रहे हैं। देखिए अगर चाशनी आप ज़्यादा गाढ़ा बना दिए तो वो आएगा नहीं, तवे पे रह जाएगा, बहुत घट बन जाएगा, चिक्की जो है इतना नरम नहीं आएगा। तो चाशनी का ध्यान लगाइए आप। देखिए पूरा चिक्की मैं निकाल दिया है पीसेस में, एकदम परफेक्ट बन चुका है। अब मैं एक चिक्की को निकाल के आपको बताती हूँ, 1 इंच इतना चिक्की लिया है मैंने। देखिए एकदम परफेक्ट बन चुका है, कितना अच्छा है, यम यम दिख रहा है। बच्चों का, बड़ों का, सबका मनपसंद चीज़ है चिक्की, बोले तो हर एक को खाना खाने के बाद छोटा सा पीस खाने का दिल होता है। मेरे को तो खाना खाने के बाद स्वीट खाना आदत है, कुछ भी स्वीट नहीं है तो मैं सिर्फ गुड़ का पीस क्यों ना है मैं खा लेती हूँ। मुझे इसी तरह से बचपन से आदत हो गया है, इसलिए अभी मैं पूरा प्लेट में निकालती हूँ, प्लेट में निकाल के बताती हूँ आप लोगों को। देखिए कितना परफेक्ट हो गया चिक्की, फूल चना दाल चिक्की है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा पसंद आया होगा ये रेसिपी देखते हुए, और आप लोग बनाइए, बना के फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अगर मेरा बनाने का तरीका पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना भूलिए मत, जो भी वीडियो बनाऊंगी मैं ताकि आप लोगों तक पहुंच सके। और एक बात, आप लोग लाइक करने के बोल के बोले तो बहुत सारे लोग मेरे को लाइक करे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से मेरे को इंकरेज कीजिए, मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के सामने रखूँगी। अगर आप लोगों का कोई मनपसंद है तो बताइए, मैं ज़रूर बना के आपका नाम भी बोलूँगी और वीडियो पे लगा दूँगी। मेरा रेसिपी पसंद आए तो आप लोग ज़रूर ज़रूर ट्राई करिए। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद दोस्तों।